बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट में हूँ मोहम्मद अवैस मरसद करी खुबैर मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। कर सबसे आ जाऊँ क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर सब, हमें ये बताएं ख्वाब के अंदर इंसान अगर अंडे देखे तो इसकी क्या तबीर हो सकती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाब के अंदर वैसे साहब अंडे देखना, ये इंसान जो है या खा रहा होता है या कच्चा अंडा देखता है या उबला हुआ अंडा देखता है या अंडों वाली जगह देखता है या अंडों वाला बर्तन देखता है, तो इसकी मुख्तलिफ तबीरें हैं। इंसान ख्वाब के अंदर ये देखता है कि मैं अंडों वाली जगह देखता हूँ जहाँ मुर्गी अंडे देती है या जिस बर्तन में अंडे रखे हैं तो उसको देख लेता है, तो उसकी उसकी तबीर औरत के साथ की जाती है, इससे मुराद औरत है। और इसी तरह अगर इंसान ख्वाब में देखे कि उसकी मुर्गी ने अंडा दिया है तो उसके मुराद ये है कि उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अगर ये देखता है कि कच्चा अंडा है और कच्चा अंडा जो है ख्वाब के अंदर नज़र आता है तो इससे मुराद गम है, परेशानी है और इससे मुराद जना भी है, हराम माल भी है। लेकिन ख़ुद से तबीर मत लगाएं, छिलका खाते देखे अपने आप को ख्वाब के अंदर कि मैं अंडे का छिलका खा रहा हूँ, तो इससे मुराद ये है कि जिसको ये ख्वाब आया है वो बंदा कफन चोर है। अल्लाह। और इसी तरह इंसान ख्वाब के अंदर देखता है कि मैं पका अंडा छील के उसे खा रहा हूँ, इसकी तबीर ये है कि इसको मालो दौलत मिलेगी, बहुत ज़्यादा रिज़्क हलाल इस इंसान को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال